वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएटी स्टूडेंट। तो हिमेटोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर। यानी जो डेल्टा एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस पे, उसके ऊपर है कि वो क्या सिस्टम है और उसको किस तरीके से अपन क्या ब्लड ग्रुपिंग के अंदर डिटेक्ट करते हैं, वो आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जो किसके ऊपर था? रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर था। उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर शुरू करेंगे। ट्यूब मेथड में देखिए कि क्या है कि पीछे के पीछे लेक्चर में गया है, अपने देखा था कि फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग के अंदर क्या देखिए ना, स्लाइड मेथड। तो अब क्या है ट्यूब मेथड? ट्यूब मेथड में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं, यानी टेक ब्लड सैंपल ऑफ पेशेंट। फिर क्या करते हैं, प्रिपेयर 5% सस्पेंशन ऑफ द ब्लड सैंपल इन द नॉर्मल सलाइन। यानी क्या है, सबसे पहले फिर क्या करते हैं कि 5% सेल सस्पेंशन तैयार करते हैं ब्लड का किसके अंदर, नॉर्मल सलाइन के अंदर। यानी 95% क्या नॉर्मल सलाइन, और क्या है कि और 5% क्या हो गया उसमें ब्लड हो गया। नेक्स्ट, टेक द टू टेस्ट ट्यूब, लेबल देम ए एंड बी। फिर क्या है कि दो टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको, जिसके ऊपर क्या लेबलिंग करनी है, मार्किंग क्या करनी है, उनको क्लासिफाई करना है ए और बी टेस्ट ट्यूब के अंदर। यानी एक टेस्ट ट्यूब पे तो मार्किंग करनी है ए, और दूसरी टेस्ट ट्यूब पे आपको क्या लिखना है, बी लिखना है। नेक्स्ट, ऐड टू ड्रॉप्स ऑफ एंटी सीरा ए एंड एंटी सीरा बी इन ईच ट्यूब। फिर क्या करना है आपको, क्या है एंटीबॉडीज डालनी है। यानी एक टेस्ट ट्यूब में तो क्या है एंटीबॉडी ए की क्या है, दो ड्रॉप्स डाल देनी है, यानी एंटी सीरा ए की क्या है, दो बूंद डाल देनी है। और बी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है कि आपको क्या डाल देना है कि बी जो एंटीबॉडीज है उसकी क्या है, दो ड्रॉप डाल देनी है। नेक्स्ट, ड्रॉप्स ऑफ एंटीसीरा ए एंड बी इन द टेस्ट ट्यूब, और क्या है दोस्तों, बूंद एंटीसीरा की क्या है और बी टेस्ट ट्यूब में डाल देनी है। फिर क्या डालना है आपको, एड वन ड्रॉप ऑफ 5% ऑफ सेल सस्पेंशन ब्लड इन द ईच टेस्ट ट्यूब। फिर क्या डालना है आपको, एक एक क्या है ड्रॉप डालनी है किसकी, ब्लड की, यानी जो सेल सस्पेंशन आपने प्रिपेयर किया था उसकी क्या है कि एक ड्रॉप डाल देनी है आपको दोनों टेस्ट ट्यूब में। यानी जिस पेशेंट का ब्लड आपको क्या है ब्लड ग्रुप चेक करना है उसका क्या है आपको डाल देना है। नेक्स्ट, आपको क्या है मिक्स करना है इसको, और फिर क्या डाल देना है आपको, मिक्स करने के बाद क्या है इसको जो दोनों टेस्ट ट्यूब है उनके अंदर जो एंटी सीरा डाली थी आपने, दो बूंद तो क्या एंटी सीरा और एक एक बूंद किसकी, ब्लड की, और उन दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या करना है फिर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद क्या है उनको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख देना है, और इसको कितने आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज करना है, यानी आरपीएम का मतलब है राउंड पर मिनट, तो 1500 आरपीएम के ऊपर एक मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है। और फिर क्या है कि सॉल्यूशन को स्लाइड के ऊपर लेके क्या है ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर हीमोलाइसिस हुई है नहीं हुई है, यानी एग्लूटिनेशन आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट देखिए, कंफर्म नेगेटिव रिजल्ट अंडर द माइक्रोस्कोप, और जो नेगेटिव रिजल्ट होगा उसको क्या है माइक्रोस्कोप के ऊपर चेक करके यदि क्या है आपको शो करना है। तो नीचे देखिए स्लाइड के अंदर क्या है, दो टेस्ट ट्यूब थी, दोनों के ऊपर क्या मार्किंग की है, एक के ऊपर एंटी सीरा ए या दूसरे पे एंटी ए एंटी बी। फिर क्या है ए के अंदर तो कौन सी एंटीबॉडी ए की दो ड्रॉप्स डालनी है, और बी टेस्ट ट्यूब में क्या डालनी है आपको एंटीबॉडी बी की दो ड्रॉप्स डालनी है। फिर क्या है एक एक ड्रॉप पेशेंट के ब्लड की
डाल देनी है, फिर मिक्स करके क्या करना है, 15 RPM पे सेंट्रीफ्यूज करना है 1 मिनट के लिए, फिर क्या इसका रिजल्ट ऑब्जर्व करना है। यही क्या है टेस्ट ट्यूब मेथड है फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप ट्यूब के अंदर। यही यही इक्विपमेंट अपन क्या है काम में लेते हैं जिसके अंदर फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप ट्यूब में, ट्यूब मेथड में। एक तो ट्यूब रैक होगी जिसमें ट्यूब को खड़ा रख सकते हैं, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होगी, एंटी सिरा होगी, एरिथ्रोसाइट होगी यानी जिसके अंदर क्या है अपन ब्लड को चेक करते हैं, यानी जिस पेशेंट का ब्लड चेक करते हैं, पिपेट होगी यानी ब्लड की ड्रॉप्स को डालने के लिए, और ट्यूब्स होगी। नेक्स्ट क्या है जो सिस्टम के अंदर सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग यानी रिवर्स ब्लड ग्रुप। रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग के अंदर क्या होता है कि जो एग्लूटिनेशन आता है यानी जिस एंटीबॉडी के साथ एग्लूटिनेशन आता है उसका उल्टा क्या होता है ब्लड ग्रुप होता है, यानी अगर एग्लूटिनेशन बी में आ रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या है ए है। तो अपन क्या है रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में क्या चेक करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को चेक करते हैं, इसलिए क्या एंटीजन क्या आता है उल्टा आता है। आपको पता है सिमिलर एंटीजन और एंटीबॉडी कभी प्रेजेंट नहीं रहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं इसीलिए। तो देखिए टेस्ट ट्यूब मेथड, तो प्रिपेयर द 5% सेल सस्पेंशन ऑफ ए एंटीजन एंड बी एंटीजन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो पेशेंट लेने हैं यानी दो पर्सन लेने हैं जिसका एक तो ब्लड ग्रुप ए का तो ए ब्लड ग्रुप हो, दूसरे का बी ब्लड ग्रुप हो, दोनों का ब्लड सैंपल लेना है, और ए वाले से तो आपको क्या है ए एंटीजन प्रिपेयर कर लेना है और बी वाले से बी एंटीजन प्रिपेयर कर लेना है, यानी ओनली रेड ब्लड सेल को अलग करके जो ऊपर का सीरम है उसको डिस्कार्ड करके ओनली क्या है एंटीजन को प्रिपेयर करना है, आपको रेड ब्लड सेल को लेना है। टेक टू टेस्ट ट्यूब एंड लेबल विद द हेल्प ऑफ मार्कर एंड पेंसिल ए सेल एंड बी सेल। फिर क्या है आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, उन दोनों के ऊपर मार्किंग करनी है, एक टेस्ट ट्यूब पे तो क्या लिखना है ए सेल और दूसरे के ऊपर क्या लिखना है बी सेल। नेक्स्ट एड द टू ड्रॉप्स ऑफ सेल सस्पेंशन एंटीजन ए सेल इन ईच ट्यूब, एंटीजन इन ईच ट्यूब। फिर क्या है दोनों जो के ऊपर क्या है आपको सेल सस्पेंशन जो तैयार किया था यानी एंटीजन जो आपने तैयार किए थे उनकी क्या है दो दो ड्रॉप्स डाल देनी, यानी ए टेस्ट ट्यूब में ए एंटीजन की दो ड्रॉप डालनी है, बी टेस्ट ट्यूब में बी एंटीजन की दो ड्रॉप डालनी है। नेक्स्ट एड वन ड्रॉप ऑफ सीरम इन ईच टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब एंड बी टेस्ट ट्यूब। फिर यानी जिस पेशेंट का आपको क्या है ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना है उसका सीरम डालना है, क्योंकि अपन क्या एंटीबॉडी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो पेशेंट की क्या ले रहे हैं एंटीबॉडी ले रहे हैं, तो क्या उसका सीरम डालना है आपको क्या है ए टेस्ट ट्यूब के अंदर तो एक ड्रॉप डालनी है, बी टेस्ट ट्यूब में भी एक ड्रॉप डालनी है, दोनों के अंदर पेशेंट का सीरम डाल देना है। फिर क्या करना है दोनों टेस्ट ट्यूब को मिक्स करना है इसी तरीके से, फिर क्या करना है उसको सेंट्रीफ्यूज करना है कितने आरपीएम पे 1500 RPM पे 1 मिनट के लिए, यानी 1500 RPM के ऊपर 1 मिनट के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, और जो नेगेटिव रिजल्ट है उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा चेक करना है। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट क्या रहता है रिवर्स ब्लड ग्रुप टेस्टिंग के अंदर, तो अगर यह ब्लड ग्रुप ए है किसी का तो वो जो आपने ए सेल तैयार की थी ए एंटीजन तैयार किया था, तो क्या है ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन तो क्या होगा ए होगा लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी बी होगी, तो क्या है जो पेशेंट का सीरम है वो ए सेल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा बी सेल के साथ रिएक्शन करेगा, तो एंटीजन क्या होगा ए होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा ए होगा, लेकिन क्लोटिंग किस में आएगी बी के अंदर आएगी। दूसरा अगर ब्लड ग्रुप बी है तो वो एंटीजन है वो यानी कौन सी बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के सीरम में एंटीबॉडीज कौन सी होगी ए होगी, तो वो किसके साथ कोएगुलेशन शो करेगा तो ए सेल के साथ रिएक्ट करेगा और बी के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। जैसे ए बी है यानी किसी ब्लड ग्रुप के है ए बी है तो उसमें एंटीबॉडीज क्या है एब्सेंट है, तो वो ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। जैसे ओ ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडीज क्या है ए और बी दोनों प्रेजेंट है, वो ए सेल और बी सेल दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों में कोएगुलेशन आएगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ होगा, इसलिए क्या इसके रिजल्ट जो है वो क्या है रिवर्स होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्लाइड मेथड ऑफ रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग, यानी स्लाइड मेथड से अपन किस तरीके से क्या रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो प्रिपेयर द 5% सेल सस्पेंशन ऑफ ए
मार्क और सुंदर क्या है, ग्लास स्लाइड लेनी है। मार्क वन द ग्लास स्लाइड ए एंड बी, फिर एक स्लाइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है, जिसके ऊपर क्या लिखना है, एक स्लाइड पे तो ए लिखना है, दूसरी पे बी लिखना है। नेक्स्ट, टेक टू ड्रॉप्स ऑफ पेशेंट सीरम ऑन ईच ऑन द स्लाइड ईच पार्ट ए एंड बी, इसके आपको पेशेंट के सीरम के एक एक ड्रॉप दोनों साइड पे डाल देनी है स्लाइड के ए और बी पे। नेक्स्ट, एड सेल सस्पेंशन ऑन द स्लाइड, और सेल सस्पेंशन की जो ए पार्ट है उसके अंदर तो ए एंटीजन डालना है, एड बी एंटीजन सेल टू बी पार्ट, और क्या है आपको बी जो पार्ट है स्लाइड को उसमें क्या डालना है, बी एंटीजन डालना है। फिर क्या है, मिक्स बाय ए क्लीन मिक्सिंग स्टिक, एक साफ मिक्सिंग स्टिक से दोनों ड्रॉप्स को क्या है, यानी जो पेशेंट का सीरम है और जो एंटीजन आपने डाला उनको मिक्स करना है। फिर क्या करना है, वेट फॉर 1 to 2 मिनट फॉर रिजल्ट, 1 से 2 मिनट के लिए रिजल्ट के लिए क्या करना है, वेट करना है। ऑब्जर्व द स्लाइड फॉर एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन के लिए फिर क्या है, स्लाइड को ऑब्जर्व करना है, यानी किसके अंदर ब्लड क्लोटिंग आ रही है। फिर नेगेटिव रिजल्ट चेक बाय माइक्रोस्कोप, और जो नेगेटिव रिजल्ट है उसको किसके द्वारा चेक करते हैं, अपन माइक्रोस्कोप के द्वारा चेक करते हैं। नीचे वही ब्लड ग्रुपिंग का मेथड, यानी अगर ए ब्लड ग्रुप है तो क्लोटिंग किसमें आएगी, रिवर्स है तो क्लोटिंग बी में आएगी, बी ब्लड ग्रुप है तो क्लोटिंग किसमें आएगी, रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में ए के अंदर आएगी, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप किसके अंदर आएगी, ए के अंदर आएगी, ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों के अंदर ही क्लोटिंग नहीं आएगी, ना ए सेल के साथ आएगी ना बी सेल के साथ, और ओ ब्लड ग्रुप में दोनों के साथ आएगी, यानी ए सेल एंटीजन के साथ भी आएगी, बी सेल एंटीजन के साथ भी आएगी, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट के सीरम में दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज क्या है, प्रेजेंट रहती हैं, तो वो दोनों एंटीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे। आपने ब्लड ग्रुपिंग के साथ पीछे ए बी ब्लड ग्रुप में सिर्फ ये डिसाइड किया था कि वो ए ब्लड ग्रुप है बी ब्लड ग्रुप है, अब एक चीज और सुनी होगी, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो साइन है, यानी जो ब्लड ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ किसके ऊपर डिपेंड है, तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर डिपेंड है, यानी वो डेल्टा एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्या डेल्टा एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी की सरफेस पे तो पॉजिटिव होता है, अगर डेल्टा एंटीजन एब्सेंट होता है आरबीसी की सरफेस पे तो ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो देखिए, द आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज वन ऑफ 36 नॉन ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी आरएच ब्लड ग्रुप क्या है, एक सिस्टम है जो क्या है, 36 जो सिस्टम है ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम के उसमें से एक है। नेक्स्ट, इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम, और ये क्या है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप सिस्टम है आफ्टर द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन सा है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है। नेक्स्ट, द टर्म आरएच इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिसर्च स्पेक्ट्रम सिंस द ओरिजिनल डिस्कवरी वाज मेड इन रिसर्च मंकी, यानी जो आरएच टर्म है वो कहां से डिराइव की गई है, आरएच स्पेक्ट्र से डिराइव की गई है, आरएच स्पेक्ट्र से प्राप्त हुई है। Since the original discovery was made in research monkey, और RH जो ब्लड ग्रुप है उसकी जो ओरिजिनल डिस्कवरी है खोज है वो किस में की गई थी, एक मंकी के अंदर की गई थी, रिसर्च नाम के मंकी के ऊपर, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, RH फैक्टर बोलते हैं, RH का पूरा नाम क्या है, रिसर्च फैक्टर है, उसकी खोज रिसर्च मंकी में हुई थी इसलिए उसके ऊपर ही क्या है उसका नाम रख दिया। नेक्स्ट, दीज आर 6 एग्लूटिनोज इन द आर एच सिस्टम, यानी आर एच सिस्टम के अंदर क्या है, कितने एग्लूटिनोजन होते हैं, कितने एंटीजन होते हैं, तो 6 एंटीजन होते हैं, जैसे क्या है कैपिटल सी डी ई और क्या है स्मॉल सी डी ई, यानी ये क्या है 6 प्रकार के एंटीजन होते हैं, जिसमें से इफेक्टिव और प्रभावी एंटीजन कौन सा है, डेल्टा एंटीजन है। तो एक बार शुरू से देखिए, एक बार दोबारा आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम को, तो द आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज वन ऑफ 36 नॉन ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसके अंदर जो 36 ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं ह्यूमन ब्लड के, यानी ह्यूमन ब्लड को डिटेक्ट करने में टोटल 36 ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उनमें से आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम एक है। नेक्स्ट, इट इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम, और ये क्या है, दूसरा महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप सिस्टम है आफ्टर द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद में। नेक्स्ट, द टर्म आरएच इज डिराइव्ड फ्रॉम रिसर्च स्पेक्ट्रम, और ये जो आरएच क्रम है, यानी जिसको अपन आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम क्यों बोलते हैं, वो कहां से प्राप्त हुई,
रिसर्च सेक्टर से प्राप्त हुई, सिंस द ओरिजिनल डिस्कवरी वाज मेड इन द रिसर्च मंकी। और आरएच सेक्टर की जो ओरिजिनल डिस्कवरी खोज है वो किसके अंदर की गई थी, मेड इन यानी किसमें की गई थी, रिसर्च मंकी के अंदर। नेक्स्ट, दीज आर थिक एग्लूटिनोजन इन द आरएच सिस्टम। और आरएच सिस्टम के अंदर कितने एग्लूटिनोजन होते हैं, एंटीजन होते हैं, तो 6 एंटीजन होते हैं, यानी थ्री कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई एंड स्मॉल सी स्मॉल डी एंड स्मॉल ई, ये क्या है, 6 एंटीजन है। डेल्टा एंटीजन की आरबीसी
करते हैं, प्रजनन स्वरांतर होने के ऊपर ही क्या आयरन ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, उसका पता लगाते हैं। आयरन पॉजिटिव सेल जो एग्लूटिनेशन विद एंटी डी सीरम, यानी आयरन पॉजिटिव जो सेल्स होती है, यानी जिन रेड ब्लड सेल्स पे आयरन पॉजिटिव होता है, यानी डेल्टा एंटीजन प्रेजेंट रहता है, वो एंटीबॉडी डी के साथ क्या करती है, एग्लूटिनेशन शो करती है, यानी क्या ब्लड क्लॉम्पिंग शो करती है। नेक्स्ट, आरएस नेगेटिव सेल डू नॉट शो एग्लूटिनेशन विद एंटी डी सीरम, और जो आरएस नेगेटिव सेल होती है आरबीसी की सरफेस पे डेल्टा एंटीजन एब्सेंट होता है, ठीक है, वो क्या है एग्लूटिनेशन शो नहीं करती, ब्लड क्लॉम्पिंग नहीं दिखाती, किसके साथ, एंटीबॉडी डी के साथ। नेक्स्ट, एंटीबॉडी डी या एंटी डी सीरा स्टोर इन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड कंडीशन, और एंटी रेजिमेंट जो एंटीबॉडीज आती है, यानी डेल्टा एंटीजन की जो एंटीबॉडी आती है, उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर और सही कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं लैब के अंदर। आरएस ब्लड ग्रुपिंग मेथड, आरएस ब्लड ग्रुपिंग मेथड कौन से तो दो प्रकार के मेथड से अपन क्या है आरएस ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हैं, एक तो स्लाइड मेथड है, दूसरा क्या है ट्यूब मेथड है। स्पेसिमेन यानी सैंपल कौन सा रिक्वायर्ड होता है, तो एंटीकोगुलेंट ब्लड चाहिए अपने को, यानी ईडीटी वाइज के अंदर क्या होना चाहिए, ब्लड क्लैट होना चाहिए आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम को पता लगाने के लिए। और इक्विपमेंट कौन से चाहिए आपको आरएस ब्लड ग्रुपिंग के अंदर, एक तो ग्लास स्लाइड थी जिसके ऊपर क्या अपन मिक्सिंग करके देखते हैं, एक माइक्रोस्कोप चाहिए, और क्या चाहिए टेस्ट ट्यूब चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, पिपेट चाहिए, यानी जिससे क्या अपन ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर ड्रॉप्स डालते हैं, ग्लास लिड जिससे क्या करते हैं अपन मिक्स करते हैं, और क्या चाहिए इंक्यूबेटर चाहिए। इंक्यूबेटर क्या एक मशीन है जिसके अंदर क्या है टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और क्या चाहिए सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए ये सारे इक्विपमेंट क्या है आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर अपने को रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट देखिए स्लाइड मेथड, स्लाइड मेथड के अंदर क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो एक क्लीन ग्लास स्लाइड देनी है, फिर क्या करना है टेक वन ड्रॉप ऑफ एंटी डी सीरम ऑन द स्लाइड एंड ऐड वन ड्रॉप ऑफ 40-50% ऑफ द पेशेंट सेल सस्पेंशन, यानी टेक वन ड्रॉप ऑफ एंटी डी सीरम, यानी एक ड्रॉप किसकी लेनी है ग्लास स्लाइड के ऊपर, एंटीबॉडी डी सीरम की लेनी है, यानी डी एंटीबॉडी की लेनी है जो क्या रेडीमेड है अपने पास, और दूसरी ड्रॉप किसकी लेनी है एड वन ड्रॉप ऑफ 40-50% सेल सस्पेंशन ब्लड, यानी क्या है कि दूसरी ड्रॉप उस सेल सस्पेंशन की लेनी है, उस ब्लड की लेनी है जो क्या है आपने जिस पेशेंट के उस पेशेंट के ब्लड की लेनी है जिसका ब्लड ग्रुप आपको डिटेक्ट करना है, उस ब्लड को अपन ने क्या है सेल सस्पेंशन बना लिया कितने परसेंट 40-50%। नेक्स्ट, मिक्स बाय ग्लास स्टिक एंड इंक्यूबेट फॉर 1-2 मिनट एट 37 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या है ग्लास स्टिक के द्वारा क्या है उसको मिक्स करना है, और फिर क्या है स्लाइड को क्या है इंक्यूबेट कर देना है, कितने मिनट के लिए इंक्यूबेटर के अंदर रख देना है, कितने मिनट के लिए 1-2 मिनट के लिए, और इंक्यूबेटर के अंदर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। नेक्स्ट, लुक फॉर एग्लूटिनेशन विद इन 2 मिनट, और 2 मिनट के अंदर क्या आपको रिजल्ट देखना है, एग्लूटिनेशन देखनी है, क्लम्पिंग देखनी है, स्लाइड के ऊपर की क्लंपिंग आ रही है या नहीं आ रही, तो रिजल्ट देखिए क्या होता है स्लाइड मेथड का, कि अगर क्या है एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या है आरएस पॉजिटिव है, यानी एंटी डी सीरा और आरबीसी की सरफेस पे डेल्टा एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो जैसे ही डी एंटीबॉडी डी के साथ वो मिक्स हो
क्या होगी, क्लंपिंग होगी यानी एग्लूटिनेशन प्रेजेंट होगा, तो आरएच पॉजिटिव होगा यानी क्या है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। अगर एग्लूटिनेशन एब्सेंट है यानी एंटीडी के साथ कोई भी पेशेंट का ब्लड कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता, क्लंपिंग नहीं दिखाता, तो कैसा है, आरएच नेगेटिव है। Thanks to all.